गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाँ मनोज कुमार योर इंग्लिश टीचर वंस अगेन विद यू एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क अंधेरे से मत डरो से मत अफ्रेड ऑफ द डार्क डार्क से मत डरो अंधेरे से मत डरो लिटिल वन छोटे बच्चे द अर्थ मस्ट रेस्ट वेन द डे इज डन द अर्थ मस्ट रेस्ट पृथ्वी जो अर्थ है हमारी वो रेस्ट करती है उसे भी रेस्ट चाहिए होता है डे इज डन जब डे डन हो जाता है द सन मस्ट बी हार्श जो सन है सूर्य है वो हार्श हो सकता है हार्श मतलब जिससे आपको हानि पहुंच सकती है या हानिकारक हो सकता है बट मून लाइट नेवर परंतु जो मून लाइट मून लाइट है वो कभी भी हार्श नहीं हो सकती मून लाइट जो होती है वो टेंडर होती है है ना कोमल होती है हार्श जो है कठोर होता है और टेंडर कोमल होता है एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फोर एवर एंड एवर दो स्टार्स ये जो स्टार्स हैं वो हमेशा फॉर एवर एंड एवर हमेशा के लिए शाइनिंग करते रहेंगे चमकते रहेंगे बी फ्रेंड्स दोस्त बन जाओ विद द नाइट नाइट के तुम दोस्त बन जाओ यानी नाइट को अपना दोस्त बना लो देर इज नथिंग टू फियर कोई डर नहीं रहेगा फियर मतलब डर और नथिंग मतलब कोई नहीं जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर जस्ट केवल लेट योर थाट्स अपने विचारों को ट्रेवल जाने दो यात्रा करने दो टू फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास फार एंड नीयर यानी अपने दोस्तों के बारे में सोचो जो है तो पास रहते हैं दूर रहते हैं जहाँ भी रहते हैं उनके बारे में सोचो आप रिलेटिव के बारे में सोचो दोस्तों के बारे में सोचो। जब दिन होता है इट डज सीम ऐसा लगता है दैट आर ट्रबल्स हमारे जो ट्रबल्स हैं वॉन्ट सीज सीज मतलब रुकना खत्म होना हमारी जो समस्याएं है वो कभी खत्म नहीं होंगी हमें ऐसा लगता है बट एट नाइट तो जब रात होती है लेट एट नाइट रात को जब बहुत रात हो जाती है अंधेरा हो जाता है द वर्ल्ड इज एट पीस जो वर्ल्ड है दुनिया है वो पीस में होती है यानी कि शांत हो जाती है तो इस तरह से होता है रीड दिस पोईम विद दी हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड इफ यू हैव हैनी प्रॉब्लम आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द स्कूल और कैन कॉल मी और कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड Uh, we will do word meanings and uh, their uh, use in sentence in the next video and question answer in the next video. Thank you very much and please like, share and subscribe my channel. Thank you.